हरिओम, मेरा नाम अतुल सिंह तामणे है। मैं दादर उपासना केंद्र का एक श्रद्धावान हूँ। मेरा आज का अनुभव मेरी नौकरी के बारे में है। पिछले 6 सालों से ये अनुभव मैं कर रहा हूँ कि सद्गुरु का अपने जीवन में जब अंतर्भवन होता है तो वे किस तरह से कार्य करते हैं। हम श्रद्धावान हमेशा कहते हैं, आमचा बापू हळूहळू आमच्यासाठी सगळं काही नीट करत आहे, अर्थात हमारे बापू हमारे लिए सब कुछ ठीक कर रहे हैं। 6 साल पुरानी बात है, उस वक्त मैं नई नौकरी ढूंढ रहा था और नौकरी की तलाश में मैं दादर से सांतपाड़ा तक घूम रहा था। वहाँ मेरा एक कॉल सेंटर में चयन हो गया। मुझे ऑफर लेटर आया, मैंने ऑफर एक्सेप्ट करके ज्वाइन करने के लिए पहले दिन सांतपाड़ा तक ट्रैवल भी किया। जिस दिन मेरा इंडक्शन था, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ चल रही थी, मेरे कई साल पुराने दोस्त का मुझे फ़ोन आया, अतुल हमारे कंपनी में एक जॉब है नेटवर्किंग के बारे में, क्या तुम करना चाहोगे? मैंने तुरंत हाँ कहा। 4 दिन बाद मेरा दूसरी कंपनी में इंटरव्यू हुआ, मेरा सिलेक्शन हो गया, लेकिन ऑफर लेटर आने के लिए करीब करीब 3 हफ्ते का समय लगा। इस दौरान जिस पहली कंपनी में मेरा सिलेक्शन हुआ था, वहाँ मेरा इंडक्शन प्रोसेस कंप्लीट ना होने की वजह से उन्होंने मुझे कहा, अब अगली ऑफर जब आएगी तब आपको वापस हम कॉल लेटर देंगे और आपका प्रोसेस शुरू करेंगे। मैंने मेरे दोस्त को कहा, आपके कहने पर हमने पुराना ऑफर छोड़कर इंटरव्यू दिया है और यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा, हमारा प्रोसेस चल रहा है, आपका चयन हो गया है, ऑफर लेटर भी आ जाएगा। करीब करीब 1.5 महीने बाद उन्होंने ऑफर लेटर दिया, जो कि मेरे सांतपाड़ा के जॉब से करीब करीब 30-40% प्लस ऑफर उन्होंने मुझे दिया और जॉब भी मुझे मेरे घर से बाजू में ही यानी कि एल्फिस्टन स्टेशन के नज़दीक मिल गया। जिम्मेदारी थी पूरे ऑफिस का नेटवर्क संभालने की, जो मेरा खुद का कोर डोमेन या मेरी चाहत का जॉब था। 5 साल यहाँ पे बहुत कुछ सीखा और पिछली 2 सालों में पैंडेमिक के दौरान भी लोगों के जॉब जब जा रहे थे तब भी हमारी कंपनी में सभी को रिटेन किया गया, ग्रोथ भी ठीक से दी गई। लेकिन इतने सालों के बाद हम चाहते थे कि ग्रोथ अच्छे से हो, इसलिए वापस एक बार जॉब ढूंढना चालू किया। हमारे बापू भक्तों के लिए जॉब ढूंढने के लिए 1-2 व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ग्रुप हैं। इसी ही एक ग्रुप में एक श्रद्धावान ने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक पोजीशन की पोस्ट डाली थी। हालांकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की पोस्ट थी, फिर भी पता नहीं क्यों, लेकिन हिम्मत करके मैंने उन्हें फ़ोन करा और पूछा, मेरा नेटवर्किंग का डोमेन है, अगर आपके पास कोई ओपनिंग है तो मुझे मैनेजरियल पोस्ट के लिए चांस चाहिए। उन्होंने कहा, हमारे पास ओपनिंग है लेकिन अभी डिक्लेयर नहीं हुई, मैं आपको हमारे सीनियर से बात करके कंफर्म करती हूँ। 3रे दिन उनका फ़ोन आता है, अतुल सिंह आप अगर अवेलेबल हो तो हमें इंटरव्यू करना है। और उस वक्त मैं एक एक्टिविटी में था, मैंने कहा आज मुश्किल होगा, कल या परसों आप एक टाइम फिक्स करके मुझे फ़ोन कर दीजिए, हम लोग एक्टिविटी ख़त्म करके ज्वाइन करेंगे और इंटरव्यू कर लेंगे। इसके बाद में जो मेरा इंटरव्यू लेने वाले थे GM, उनको फुर्सत ना होने की वजह से 1 हफ्ता चला गया। इसी दौरान मैंने एक और जगह अप्लाई किया था, तो इसलिए मुझे बेंगलोर की कंपनी है वहाँ से इंटरव्यू हुआ, वहाँ पे भी सिलेक्शन हो गया। उनका ऑफर लेटर आने के बाद मैंने दादा से पूछा, दादा क्या करें? दादा बोले, अभी फ़िलहाल तो रुकना है,
आगे सोचेंगे। तब तक मैं काम करता रहा और अचानक से मेरे सीनियर मैनेजर ने कंपनी से रिज़ाइन कर दिया। रिज़ाइन करने के बाद उसने मुझे कहा, अतुल यहाँ पे चैलेंजेस बहुत आ रहे हैं, तुम भी कुछ ऑप्शंस ढूंढना चालू करो। मैं सोच रहा था अभी ठीक है, बापू ने कहा है फिलहाल रुको, देखते हैं। दो हफ्ते के बाद वापस उन श्रद्धावान का मुझे फ़ोन आया, अतुल सिंह अगर आप कल उपलब्ध होंगे तो हम इंटरव्यू करना चाहेंगे। मैंने दूसरे दिन का समय दे दिया, ऑफिस में एक्टिविटी के लिए बोलकर मैंने एक टाइम स्लॉट निकाल लिया। मेरा फर्स्ट इंटरव्यू हो गया, उन्हें अच्छा लगा। दो दिन के बाद उन्होंने मेरा सेकंड राउंड रखा इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ, उनके साथ भी मेरा सेकंड राउंड क्लियर हो गया। अगले हफ्ते उन्होंने मुझे फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए ऑफिस बुला लिया। उस दिन शनिचर होने की वजह से मैं बिना कोई तकलीफ के इंटरव्यू के लिए जा पाया। इंटरव्यू ख़त्म होते ही उन्होंने मुझे कहा, आप रिज़ाइन कर दीजिए, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको रेज चाहिए हम दे देंगे। मैंने 40% के लिए रेज मांगा, वो भी ऑन द स्पॉट उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद दूसरे दिन उनका ऑफ़र लेटर आया और ऑफ़र लेटर में कहा था कि आप 30 days में ज्वाइन कीजिए, 30 days में ज्वाइन करने के बाद आपका 2 साल का प्रोबेशन होगा। लेकिन उसमें साथ ही एक लिखा था कि इस कंपनी का जो अप्रेजल साइकिल है वो मार्च में होगा, जो कि मेरे ज्वाइनिंग के 3 महीने बाद ही है, इस वजह से मेरा इमीडिएट अप्रेजल साइकिल नहीं हो पाएगा। इस पर मैंने सोचकर उन्हें कहा कि अगर मेरा ये अप्रेजल साइकिल मिस हो रहा है तो मुझे पुरानी कंपनी में भी अप्रेजल मिस करना होगा और यहाँ पे भी अप्रेजल मिस करना होगा, तो आप इसके बारे में सोचकर मुझे 15-20% एक्स्ट्रा रेज दे दीजिए। एक हफ्ता सोचकर उन्होंने ये एक्स्ट्रा 20% रेज की डिमांड भी मान ली और मुझे टोटल 60% रेज के साथ उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। ज्वाइन करने के बाद मुझे पता चला कि आज तक इतना हायर रेज इस कंपनी में किसी को दिया नहीं है, ये सिर्फ बापू की वजह से मुझे 60% रेज के साथ उन्होंने एक्सेप्ट किया। अब इसमें एक और छोटी सी बात है, आज मेरी उम्र 48 साल है और 48 साल में ड्यूरिंग पैंडेमिक इतनी अच्छी जंप मिलना और इतनी अच्छा रेज मिलना मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए मेरा बापू काम कर रहा है तो ये मुमकिन हो पाया। हरिओम, श्री राम अहमद ने।